सिरोंजा। सिरोंजा, हाँ। आपके बाबा जो है, मतलब आपके हस्बैंड, वो हैं कि अभी गुजर गए? मेरे घर का, घर का आपका? 30 साल है गए। 30 साल पहले गुजर गए। मैं तो मांग के खाती हूँ, सब मांग के खाते हैं, हमारा खेत नहीं दिया। कितने परिवार रहे यहाँ पर रहते जी? ये परिवार है एक दो तीन है दस पाँच चार पाँच चार पाँच बच्चे हैं किसी पे है? इतने घर रहते हैं। हाँ। अच्छा, आपका आय का स्रोत क्या है? पैसे किस चीज़ से आते हैं आपके पास? पैसा मतलब क्या काम करते हैं जिससे पैसा आता है? क्या मांग के सारंगी तो खाते हैं, सारंगी बजाते हैं? हाँ, ढोलक बजाते हैं और सारंगी भजन फजन गा के मांग के पेट भरता। अच्छा, जो गांवों में जो सारंगी लिए घूमते हैं? हाँ, और क्या है, मांग गरीब आदमी करते हो? हाँ। इधर आओ, आओ एक मिनट आओ, आ जाओ बेटा। और बताओ कुछ अपने बारे में। और बता ये के मकान कच्चे हैं, आपको पक्के मकान नहीं मिले अभी तक? अब बेटा मैं कहता हूँ हाथ जोड़ के, हमको है गया बहुत साल यहाँ, ये जलम ले था, ये छोरी यहाँ जलमी, वो छोरी वहाँ जुआन है गया, ये सब छोरी जब से हम वोट डाल रहे हैं केती पर तो कह दे मकान बना दे, वो कर जीत जाए ना, जब नाग पूछ कर भाट कैसे परे, भूखे एक प्यास है कैसे परे, फिर नहीं देखे हम, फिर नहीं देते, देखता ही नहीं, आके बात ही नहीं करता जी। वोट डालने जाते हैं हर बार? मेरे भी सब परवाह डालते हैं, मुकम को 30 सैन वोट पड़े। अच्छा, कौन से गांव में पड़ती है आपकी वोट? यहाँ गाठोली में, ये गोवर्धन विधानसभा में। हाँ, ये गाठोली यहाँ में पड़ते हैं। अच्छा, गरीबन की कोई पूछा नहीं, बात कोई नहीं आता। राशन तो मिलता होगा ना? राशन तो मिलता है, राशन तो मिला है। बिजली है यहाँ पे? हाँ बिजली बेटा, बिजली नहीं अंधेरे में पड़े बेटा, जब तुम तो हाथ जोड़ के क्यों को देखो बेटा, देख मेरे बेटा तो है कि नहीं है, के नहीं धन कोई लाया ऊपर ते नहीं को लेगा, आज यहाँ सहायता करेगा तो मेरे को आत्म गरीब में कितने आशी देता, ये नहीं करता हमारी कोई भी गाठोली की, वोट ले लेता है फिर नहीं देखता। कितने साल से रह रहे हैं आप इस जगह पे? ये कम से कम अब तो माना लाली कितने की है? हाँ लालिया, तीस पैंतीस साल है गए यहाँ रहते रहते। 30-35 साल से रह रही है, तभी से आपके कच्चे मकान है फिर ये? जब तक कच्चा तो बारिश में फिर ये सही रहते हैं कि गिर जाते हैं? गिर जाते हैं, गिरते गए वो भीतर जाके देखो, सगर भीत गिर गई, वो तो बच्चे और दब जाते हैं, चलो देखो ये बच्चे और दब जाते हैं, ये अपन का करें उसमें ना, ये सामने वाला आपका? हाँ, ये देखो सगर गिर गए। कैसे रास्ता किधर से? रास्ता तो इधर है। अच्छा, कितने उसमें जब तो गिरा ये, मतलब जब बारिश आती है उसमें से बाहर निकलते हैं या फिर क्या करते हैं? या नहीं है पहले, वो तो बच गए, भगवान बचा दिए बच्चन ने, बाहर है सब रहे। कैसे नहीं, जैसे जो जब बारिश, क्या नाम है तुम्हारा? कन्हैया। कन्हैया, पूरा नाम बताओ। कन्हैया, पूरा नाम कन्हैया ही है। अच्छा, नहीं मैं ये पूछ रहा था, जैसे जब बारिश आती है तो आप रहते हैं अंदर ही? रहते हैं अंदर ही रहते हैं। तो तब गर्मी का खतरा रहता है? अभी गिरी तो बाहर गिरी तो भीतर गिर जाती है, भीतर गिर जाते सकरे दब जाते बालक बच्ची। अच्छा, तो अब तो नहीं करेगी ना अगर अंदर जाएंगे तो? है? अब तो नहीं गिर जाएगी? अब मैं परेगा तो गिरेगी सकरी, चिरार चल रही, तुम देख लो भीतर को। अच्छा, गिर सकती है अब भी? गिर सकती है, गिर सकती है। कोई इसमें सांप कीड़ा वगैरह तो नहीं? अब सांप फांप को तो अब सड़ सीड़ हो रो तो कोई पता चली चौमासे की टाइम है, अब क्या करें फिर। कन्हैया, कन्हैया नाम है तुम्हारा? ये तुम्हारा मकान है? ये एक मिनट, ये कैसा तो नहीं हम ही दब जाए इसमें? ना तो ऐसा तो ना गिरा, इसे खिली हुई है ना दीवार? ऐसा तो ना गिरा, बरसात बरसात आवे जब जोरते आवे ना वो जंकट फंकट जब गिर सके तब गिर सकती है। हाँ। तो इसमें क्या अंदर ईंट है या टोटल मिट्टी है? मिट्टी की ईंट है, कच्ची ईंट। कच्ची ईंट है ये? कच्ची ईंट है। इसमें कितने लोग रहते हैं अंदर? इसमें पाँच छह लोग, लेकिन इसमें खाट तो दो ही है, तो छह लोग दो खाट पे कैसे सोते हैं? अंकल जी आपके मकान है? अंकल जी क्या नाम है आपका? कमल। कमल सिंह जी,
क्या काम करते हैं आप? भाई आपके आपको पक्के मकान क्यों नहीं मिले अभी तक? तो इधर आओ, इधर आओ। पक्के मकान आपने कभी शिकायत नहीं की? सबको पक्के मकान मिल रहे हैं तो आपको क्यों नहीं मिले? कई बार दरख्वास्त दे दी साहब, कई बार दरख्वास्त दी आपने डीएम के पास। छाया में चले, छाया में जा। तो फिर क्या बोलते हैं डीएम? डीएम बोलते हैं कि जब तक प्रधान लिख के नहीं देंगे जब तक हम क्या कर सकते हैं। जब तक प्रधान नहीं लिख के देंगे तो प्रधान लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रधान नहीं ना दे रहे लिख के, मतलब कि यहाँ पे भग जाए तो बढ़िया, यहाँ से भग जाए तो बढ़िया। हाँ। और आपको रहते रहते कितने साल हुआ है यहाँ पे? कितने साल हुआ रहते यहाँ? हो कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल फिर क्यों भागना चाहते हैं आप? यहाँ के नहीं है मतलब बाहर से आके बसे हैं आप? भाई अब 30 साल तो हो गई हमको यहाँ, पहले तो हम ऐसे डोलते थे खाते कमाते। हाँ। फिर गांव वालों ने जगह बता दी, यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। और वोट आपका यहीं पड़ता है? हाँ, गांठोली में। गांठोली में वोट पड़ता है, सारे वोट पड़ते हैं, प्रधान के भी, एमएलए के भी, एमपी के, सारे वोट पड़ते हैं आपके? अच्छा, पूरे कागज बन गए ना हमारे सारे कागज। राशन कार्ड है आप पे? हाँ। राशन कार्ड भी है लेकिन मकान नहीं है। प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और तुम्हारे वो आधार कार्ड, सारी चीजें हैं। सारी चीजें। काम क्या है आपका? काम मेहनत मजदूरी करते हैं। और क्या काम? मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ। अच्छा, ये सब आपके परिवार के लोग हैं? सब आप। अच्छा।